नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं कृषि मीडिया एंड टैक। आज हम पहुंचे हैं राज चौधरी जी के यहाँ। नमस्कार राज जी। तो राज जी, ये देख पा रहा हूँ जैसा कि मैं, ये किस चीज़ के लिए यंत्र है जी? ये पावर टिलर है, पावर मीटर, पावर टिलर जी। BCS का है ये, जो है जैसे बाग बाग होते हैं, ट्रेंच वाली होती है जी, उसकी जुदाई के लिए होता है जी। जी, कारगर चीज़ है, जैसे शॉर्ट ट्रैक पर होते हैं, कई लोगों को नहीं, जैसे बाग है खास कर जी, जी बहुत अच्छी ये ऑप्शन है जी, काफ़ी अच्छा काम करता है ये। इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की हुई है, ये ड्रिप से खेती करते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो राजी, आपने कितने एकड़ में ये की हुई है? जी, एक हेक्टेयर हमने किया है ये। जी, तो क्या क्या आपने बोया हुआ है इसमें, थोड़ा इसमें दिखा देंगे जी। आप इधर देख सकते हैं, केला लगाया हुआ है, इसमें ड्रिपिंग सिस्टम है जी, देख सकते हैं आप, ये केला लगाया हुआ है इन्होंने, ये थोड़ा ड्रिप से, थोड़ा ड्रिप से करते हैं ये, मल्टी क्रॉपिंग की हुई है इन्होंने फिलहाल में जी। ये मतलब हरी खाद देने के लिए हमने इसकी जई बोई है, और ऊपर से यहाँ पे ठंड पड़ने वाली है तो पाले से बचे रहेंगे, इसलिए जई जो है इनको ढक लेगी जी टाइम से, और उसके बाद इसके काट के और हरी खाद मार देंगे, एक लान काट के इसका जी। और उसके बाद हमने थोड़ा सा ये इस बार, पिछले साल नींबू लगा के देखे थे, जो तैयार हो चुके हैं जी, जी। जो हमने फसल, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा दिखा देंगे मेरे प्यारे किसान भाइयों को। देख सकते हैं आप ये जी हैं अपने। तो राजी, ये कितने दिन का नींबू है ये आपका? लगभग एक डेढ़ साल हुआ जी। जी, तो कितनी पैदावार ये एक पेड़ दे देता है जी? शुरू में वैसे एक पेड़ का अगर देखा जाए एवरेज, तो 3 साल बाद एक अच्छी फसल आती है जी। तीन जी, साल में ये पूरा ग्रोथ करके अच्छी फसल देना, प्रोडक्शन देना शुरू करता है जी। तो लगभग एक पेड़ जो है 50 से ऊपर ही ऊपर प्रोडक्शन देता है जी। ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तो और भी ज्यादा देता है, मतलब अच्छे से, हाँ अच्छे अच्छे, थोड़ी और बढ़ जाती है पैदावार। 50 तो आप एवरेज लेके चलिए एक नींबू जी, एक पेड़ का जी। तो हमने 200 पेड़ लगाए थे लगभग जी, अभी शुरू करके ही देखा था थोड़ा जी, तो इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का हमारा हो गया था जी। और ये आप देख सकते हैं अभी थोड़े बहुत नींबू आ रहे हैं जी। तो कितना मतलब किस इसका प्राइस क्या मिलता है आपको इसका? जी, प्राइस लोकल मंडी में भी ये जो है ना, गर्मियों के सीजन में जो टाइम पे आता है ये, लगभग अप्रैल मई जून में जो चलता है उस टाइम पे भी अच्छा खासा ये 40-50 को तो मिनिमम होता ही है जी। और तो मतलब एक ठीक ठाक सा औसत आ जाता है, औसत आ जाता है अगर आप बनने से कंपेयर करें तो, इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। और दूसरी बात, आप इसमें मल्टी लेयर फार्मिंग भी कर सकते हैं जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये। हाँ जी, ये तो खैर हरी खाद है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग अगर आप करना चाहें तो काफी स्पेस है, 10x10 का स्पेस है ये। जैसा कि मैं राज जी, आप ये देख पा रहा हूँ ये किस चीज के पेड़ लगाए हुए हैं आपने? चीकू है, इसमें हमने बीच बीच में चीकू भी लगाए हैं 20x20 पे जी, क्योंकि चीकू के पेड़ ऊपर निकल जाएंगे। तो चीकू के पेड़ की शायद अभी अभी तो नहीं दी होगी इन्होंने पैदावार जी, नहीं अभी तो बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा बहुत छोटे छोटे पेड़ों पे भी एक जो है चीकू आने शुरू हो गए हैं जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ये जी, राज जी थोड़ा दिखा देंगे जी, देख पा रहे हैं आप ये छोटा चीकू बन रहे हैं जी। अरे इस पे चीकू आने शुरू हो गया, मतलब एक उम्मीद है कि चीकू आएंगे जी। जी, तो ये देख सकते हैं आप, ये सारे में ही इस तरीके से लगाए हुए हैं इन्होंने पेड़, 20x20 पे इसमें चीकू है और बाकी 10x10 पे जी। तो राज जी, ये कितने पेड़ हैं आपके, टोटल कितने पेड़ हैं? जी, नींबू के जो है ये लगभग 200 पेड़ हैं जी, 20x20 पे लगाए हुए हैं जी। और क्या कहते हैं, इसमें जो चीकू है वो 20x20 पे, ये 25 पेड़ लगाए थे, लेकिन वो कुछ पेड़ मर गए, लगभग ये 21 पेड़ बचे हैं जी। ये देख पा रहे हैं मेरे किसान भाइयों आप, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने अपना ये फार्म। इसमें प्रॉब्लम जो आती है देखिए, जैसे ये नीचे नहीं देखा गया था, अब ये देखिए जी, ये जो नींबू है ये नीचे इनसे जई से मिल गया जी, या फिर नीचे घास वगैरह कुछ भी हो सकती है, तो इस पे ये दाग आ गए, इससे आपका रेट जो है कम हो सकता, डाउन हो जाता है, डाउन हो जाता है मार्केट जी, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखें जी, कि ये जो आपकी ब्रांचेस है जिससे नींबू आएंगे जी, ये थोड़ा ऊपर ही हो, मतलब ये स्टेम है, ये इस हिसाब का हो जाए जी, ये आपके स्टेम मतलब ब्रांचेस का वजन झेल सके, वजन झेल सके। नीचे जो ब्रांचेस है हम उसको काट देते हैं, जिसको हम प्रूनिंग कहते हैं जी। जी, प्रूनिंग वगैरह टाइम से कर देते हैं जी। दूसरी बात, प्रूनिंग करते समय एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे ही आप प्रूनिंग करते हैं ना, तो इसमें
सिट्रस कैंकर आने का बहुत खतरा रहता है, ठीक है। तो उसके लिए जहाँ से आपने प्रूनिंग की, प्रूनिंग करने के बाद पूरे बाग में आप फंजीसाइड का उपयोग करें, उपयोग कर सकते हैं जी, कोई मतलब सिट्रस कैंकर वगैरह ये चीजें ना हो जी। तो उससे आप देख सकते हैं बहुत सारी ग्रोथ, मतलब जितनी नई ब्रांचेस आएंगी जी, जितनी ब्रांचेस होंगी उतना ही प्रोडक्शन होगा, उतना ही प्रोडक्शन होगा। सही है बात आपकी बिल्कुल जी। ऑर्गेनिक तरीके से हम तो सब ऑर्गेनिक ही करते हैं, तो हम ट्राइकोडर्मा विडी वगैरह ये फंजीसाइड लगाते हैं, ये भी आप खुद ही तैयार करते हैं जी जी। ये जी किसान भाई देख सकते हैं आप, ये भी इन्होंने जो है मिलता है, उसका पैकेट मिलता है, वो 200 लीटर पानी में आइसोलेट हो जाता है, उसमें 2 लीटर क्या कहते हैं वो 2 किलो गुड़ घोल सकते हैं, गुड़ घोल के और उसको तैयार करते हैं। वो भी थोड़ा आपने बनाया हुआ है इस टाइम तैयार आपके पास जी, वो भी दिखा देंगे हम आपको। तो राजी जैसा कि आप देख पा रहा हूँ, ये आप इतनी जानकारी आपको है, आप मतलब बचपन से ही आपका इस चीज में इंटरेस्ट रहा है, ये किसान फैमिली से हैं तो जी। लेकिन जी बात ये है पारंपरिक खेती को जो है छोड़ना पड़ेगा, हमारे यहाँ गन्ने का बहुत ज्यादा क्रेज है, थोड़ा सा अलग हटके है, इसमें काफी फायदा है। तो आप फिलहाल में यही कर रहे हैं या फिर आप कोई डिग्री वगैरह क्या कर रहे हैं आप? मैं जो हूँ 11th 12th हमने एग्रीकल्चर से किया है जी जी, बहुत बढ़िया, बीएससी एग्रीकल्चर ही चल रही है जी जी। तो किसान भाइयों देख सकते हैं आप, ये इसी चीज के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ रहे हैं इसी चीज के बारे में। मैं आपको दिखाऊंगा अब इन्होंने जो तैयार किए हुए हैं ऑर्गेनिक के जी, ये आपने तैयार किया हुआ है जैसा कि आप बता रहे थे जी। जी ट्राइकोडर्मा जो है किसान भाई देख सकते हैं आप, ये जी ये फंजीसाइड है जो फफूंदी नाशक होते हैं जी, फफूंद से लगने वाली सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है। लेकिन ऑर्गेनिक में आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी होती है, ऑर्गेनिक ऐसा है जैसे होम्योपैथिक दवाई होती है और एलोपैथिक दवाई होती है। एलोपैथी दवाई जैसे आप यूरिया एनपीके करते हैं वो एकदम से असर दिखाती है जी, लेकिन एलोपैथी होम्योपैथी में जो है बहुत टाइम लगता है, टाइम लगता है धीरे धीरे, ये जड़ से लेके चलती है, बीमारी को बिल्कुल खत्म करेगी, लेकिन आपको जल्दी जल्दी डालनी पड़ेगी जी, लिमिटेड टाइमिंग पीरियड के अंदर डालनी पड़ेगी, 7 दिन में 15 दिन में, हर 15 दिन में जी। तो ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, इसको बनाते ऐसे हैं, एक ट्राइकोडर्मा वर्डी नाम से एक पैकेट आता है, वो लगभग ऐसे ही 100 रुपए का है, उसमें भी अगर आप ब्लॉक से कनेक्टेड हैं और आप रजिस्टर्ड हैं ब्लॉक के अंदर जी, सरकार आपको 75 रुपए की सब्सिडी दे देती है, 25 का ही पड़ता है वो जी जी। तो उसके बाद आप 200 लीटर जैसे आप देख सकते हैं ग्राम है जी, तो 200 लीटर का ड्रम में आप पानी भरेंगे, उसके बाद आप उसमें ट्राइकोडर्मा का पैकेट खोल देंगे और उसमें 2 किलो गुड़ डाल देंगे जी, 100 किलो 100 लीटर के हिसाब से 1 किलो गुड़ डालते हैं, 1 किलो गुड़ 100 लीटर में 2 किलो। उसके बाद उसको सुबह शाम थोड़े थोड़े एक एक दो दो मिनट घुमाएंगे घंटे से, जैसे डंडा रखा है हम इसको घुमाएंगे, 15 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगा। इसका मेन पर्पस गुड़ डालने का ये होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपने आप को डबल ट्रिपल मतलब अपनी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है इनकी जी, एक तरीके से खाना मान सकते हैं गुड़ को जी। और उसके बाद आप इसको 15 दिन के बाद ही तैयार हो जाता है, यूज़ कर सकते हैं अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे करना चाहें तो आप पानी जैसे भी आप देते हैं, फ्लड देते हैं, फिर ड्रिप से एक एक्टिविटी से दे रहे हैं जी। इसका बेसिकली ये होता है, ये एक तरीके से अगर आप जड़ पे देंगे तो ये जड़ पे नीचे जाके एक तरीके से नेटवर्क बना लेगा अपना जड़ के ऊपर, तो जो कॉन्टैक्ट बना लेता है, नेटवर्क बना लेगा, जाल से बना लेगा, तो जितनी भी ये खून से बीमारियाँ होने वाली है वो आपकी जड़ को नहीं करेंगी। जैसे जड़ गलन है केले में बहुत ज़्यादा हो, तो जैसे केला है ये केले में तो पनामा रोग होता है बहुत ज़्यादा, वो फंगस से होता है, तो उसमें जड़ गल जाती है, अगर ऊपर से भी इसमें लक्षण आते हैं कि पत्ते पीले पड़ने वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो बहुत खतरनाक रोग है, और एक अगर आ जाए एक बार तो जाता नहीं है, जल्दी से पीछे नहीं छोड़ता। तो इससे पहले ही हम मतलब रोग से पहले ही उसको उपचार तैयार रखें तो ज़्यादा बढ़िया है जी। तो इसलिए मैं रेगुलर अपना जैसे केला लगाया है जी जी, तो इसमें फंजीसाइड का ये इसका फफूंदी नाशक का प्रयोग करता रहता हूँ। अब भी ये तैयार है, अब 1-2 दिन में इसको मैं ड्रिप के द्वारा चला दूंगा जी। तो राजी मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इसे कोई भी किसान, आम किसान एक तैयार कर सकता है आसानी से? जैसे कि मेरे किसान भाई सोचते हैं कि हम इसे तैयार नहीं कर सकते, इसके लिए कोई जानकारी चाहिए हमें, आधुनिक कैलकुलेशन नहीं है, 2 किलो गुड़ कहीं भी मिल जाता है जी, और पानी तो आपका फ्री है ही जी जी। और दूसरी बात, ट्राइकोडर्मा वेडी किसी से भी आप कह के मतलब दुकान पे जाएंगे आसानी से मिल जाएगी, मिल जाएगी बहुत आराम से, और भी बहुत सारी कंपनी के फंजीसाइड आ रहे हैं, ऑर्गेनिक ही आ रहे हैं जी, थोड़े उसमें ज्यादा है, सरकारी जो है ये ट्राइकोडर्मा वेडी सरकार की तरफ से मिल रहा है, ब्लॉक से तो क्या दिक्कत है, उसमें भी आपको 75% सब्सिडी मिल रही है जी, तो वहीं से लाता हूँ, बढ़िया है क्वालिटी है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, कोई भी इसे आसानी से कर सकता है, जैसे कि हमारे राजी ने बताया आपको, कोई इसमें तकनीकी जानकारी की आपको ज़रूरत नहीं है, साधारण बिल्कुल साधारण तरीके से होता है ये। एक बार फिर दिखाऊंगा मैं आपको, 200 लीटर का आपको ड्राम चाहिए होता है जी, देख सकते हैं आप ये ड्राम से इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये इसमें बैक्टीरिया
फंगस फंगिसाइड है ये जी, देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं हमने ये गाय का यूरिन भी इकट्ठा किया हुआ है जी। यूरिन जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, आप इसको ड्रिप में लगा के जैसे वेंचुरी चलाते हैं ड्रिप में जी, तो वो भी आपको दिखा देंगे हम जी। तो वेंचुरी से क्या फायदा होता है आपको जी, थोड़ा राज जी इसके बारे में बताएंगे, गौमूत्र जैसा कि आपने इकट्ठा किया हुआ है इसका क्या बेनिफिट मिलता है जी? इसका बहुत बेनिफिट है, जो आप यूरिया डालते हैं उसकी जगह आप जी इसको एज अ मतलब, जैसा मेरे प्यारे किसान भाई सोचते हैं कि हम नाइट्रोजन केवल यूरिया से ही दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत माना जाता है, बहुत यूरिया होता है जी, आप इसको दे सकते हैं। आप एक चीज नोटिस करेंगे जी, आप देखते होंगे कि हम जो यूरिया का जो है स्प्रे करते हैं जी, थोड़ा सा यूरिया लगता है और ऐसे ही ये है, आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं, वही गुण है और ये बिल्कुल प्राकृतिक है, ये है वही एलोपैथी होम्योपैथी वाली बात है, थोड़ा रेगुलर चलाना पड़ता है जी जी, और वो जो है उसे किसान आसान मानता है, बस थोड़ा सा ये है, थोड़ा लेबर ये लो कॉस्ट है जी, कॉस्ट तो बिल्कुल है नहीं जी, जीरो कॉस्ट इकट्ठा कर लेंगे तो आसानी से काम में ले सकते हैं जी, आ रहा है ये तो। जी तो आप इसे किस तरीके से खेत को किस तरीके से देते हैं आप? कई तरीके से दे देते हैं, ड्रिप में दे देते हैं जी, ड्रिप में थोड़ा बताएंगे आप किस तरीके से इसे देते हैं। में जैसे ये है कि अभी ये है ड्रम जी, इसको वेंचुरी से कनेक्ट कर देंगे जी और चला देंगे जी, वेंचुरी चला देंगे जी, थोड़ा थोड़ा करके वो पानी के साथ साथ अपने आप ही जाता रहेगा, जैसे पेड़ों में घुल जाएगा, घुल के अपने आप जाता है, ड्रिप का यही तो फायदा है, फर्टिगेशन होता है जी, मतलब आप वेंचुरी लगा के खाद बोल के वहीं दे दें, खाद की खपत जो है कम हो जाती है, लगभग 1:10 में रहती है, जहाँ आप 10 किलो डाल रहे हैं वहाँ 1 किलो डलता है जी बिल्कुल, वो क्योंकि बूंद बूंद करके जड़ों में ही जा रहा है, जड़ों में जाता है, नष्ट नहीं होता जी। ये देख सकते हैं आप, ये इनकी ड्रिप है, राजीव थोड़ा बताएंगे आप किस तरीके से इसमें चलाते हैं, थोड़ा बताएंगे ड्रिप के बारे में मेरे किसान भाइयों को। ये ड्रिप है जी, देखिए ये कॉमनली पहले तो वहाँ पे यूज होती थी, सबसे पहले तो इसराइल ने ही निकाला इसको जी, जी इसराइल ने डेवलप किया था इसे जी, पानी की बहुत कमी थी वहाँ पे जी, अब इंडिया में भी ये वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है जी, दिक्कत आ रही है इंडिया में, बहुत से इलाके सूखा पड़ रहे हैं अब जी, इस बार आने वाले समय में इसकी बहुत मांग होने वाली है जी। फिलहाल तो सरकार जो है वो इसको अलग अलग राज्य में अलग अलग सब्सिडी है, यहाँ पे जैसे 90% सब्सिडी सरकार दे रही है जी, तो उससे हमने लगवाया है जी। बाकी ये मेन पंप से कनेक्ट होता है, ये वेंचुरी है जी, वेंचुरी का मेन काम ये होता है, देखिए जैसे जी जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेन पाइप से पानी इसमें जा रहा है जी, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको खोल लेंगे तो कुछ पानी यहाँ से यहाँ को जाने लगेगा जी, ये अपने आप ही सक्शन होता है इसके अंदर जी, क्या कहते हैं आप यहाँ पे ड्रम रख के उसमें अपना खाद घोल के इसको डाल दें, तो अपने आप ही चूस के ये ऊपर को ले आएगा और इस पानी में घोल देगा जी, जो आपको खेत में जाना है जी। यहाँ पे फिल्टर है ताकि मतलब ये जो रेता आता है जी जी, बोरवेल से जो रेता आ जाता है जी, वो ड्रिप में ना जाए ताकि वो बंद ना हो, ब्लॉक उसके होल ब्लॉक हो जाते हैं जी, तो उसमें ये यहाँ पे क्या कहते हैं मीटर दिया हुआ है, प्रेशर मीटर है जी, देख सकते हैं आप, ये कि बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि यहाँ पे जो ड्रिप चलती है उसमें बूंद बूंद करके पानी गिरता है, 4 इंची का हमारा वो है बोरवेल है और 3 इंची आगे को लाइन में आ रही है, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रेशर मीटर आप देख सकते हैं कितना फर्क पड़ता है, कोई ज्यादा इतनी कोई खास बात नहीं होती जी, बिल्कुल नॉर्मल चलता है, मोटर पर कोई लोड नहीं आता जी। मेरे प्यारे किसान भाई कुछ सोचते हैं कि मोटर पर लोड आता है, इससे दिक्कत हो सकती है मोटर, और जब मैंने शुरू में वेंचुरी चलाई तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि वो सक्शन नहीं कर रही थी जी, वो मेरी गलती थी है कि मैं जो इसको मेन माल को जो पूरा नहीं खोल रहा था, पूरा नहीं खोल रही थी, मतलब ये पूरा खुला हुआ था जी, ये आधा बंद होता है, यहाँ तक बंद कर दोगे ना धीरे धीरे करोगे जी जी, तो ये अपने आप सक्शन बनना शुरू कर देगा जी। ऐसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली नई वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।